Hi guys, it's me Adit Kundra from Adit's Guitar Lessons. आज हम एक न्यू गिटार का रिव्यू करेंगे. दिस हैपेंस टू बी द केडेंस फ्रंटियर FRBRO1 गिटार. आई थिंक FRBRO मींस फ्रंटियर ब्राउन 1. राइट, सो ये गिटार जो है ये मेरे को प्रद्युम ने लेंड किया है फॉर द रिव्यू. थैंक यू सो मच प्रद्युम फॉर दिस. बट बिफोर वी गेट टू द रिव्यू, मैं आपको तीन चीज़ें बताना चाहूँगा. पहली चीज़ तो आई हैव दिस गिटार कोर्स कॉल्ड लर्न गिटार इन 30 डेज. इट्स अ फ्री कोर्स, यूट्यूब में अवेलेबल है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा तो देख लीजिएगा. सेकेंडली, आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम आदित्य कुंद्रा. फेसबुक में भी हूँ मैं आदित्य गिटार लेसन्स. एंड आई हैव अ वेबसाइट कॉल्ड आदित्य गिटार लेसन्स .com जहाँ पे सारे सॉन्ग्स के टैब्स एंड कॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे, प्लस अ लॉट ऑफ अदर इंटरेस्टिंग स्टफ एज वेल. एंड फाइनली, आई हैव दिस कम्युनिटी ऑन फेसबुक कॉल्ड द गिटार गैंग बाय आदित्य कुंद्रा, विच इज अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड म्यूजिशियंस एंड गिटारिस्ट. सो उसको ज्वाइन करिए, इट्स अ वेरी एक्टिव कम्युनिटी एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन एज वेल. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द रिव्यू. ये गिटार जो है इट्स अ मिड साइज गिटार एंड आई हैव माई ट्रस्टेड tape with us, so we'll just check the dimensions ताकि आपको पता लग जाए exactly क्या dimensions हैं इसके. So this happens to be 39.4 inches. इसकी total length जो है 39.4 है और इसका जो scale length है, scale length is basically the length of the string which vibrates, which is the distance from the nut to the saddle. तो इसका जो scale length है, it is roughly 25.7. So जो dreadnought guitars होते हैं उसमें 25.5 होता है, तो this is a little more than that. Smaller size guitar but a slightly bigger scale length, which is pretty interesting. और इसकी जो width है, width भी देख लेते हैं. Width is around 3.8 inches. जो हमारे dreadnought guitars होते हैं generally 4.5 to 5 inches होते हैं. तो like I said, it's a medium size guitar. इसका lower body and upper body लेने के बाद इतनी ज़रूरत नहीं है. It's a medium size guitar. The good thing is कि इसमें cutaway है, so you can actually play the higher frets if you are interested in all that. अगर मैं इस गिटार के वुड की बात करूँगा तो दिस इज ऑफ कोर्स इट्स अ लैमिनेटेड टॉप. मैंने अपने पुराने रिव्यूज में बात करी हुई है द डिफरेंस बिटवीन अ लैमिनेटेड टॉप एंड अ सॉलिड टॉप. वो 8-9 हज़ार के गिटार्स थे, उनमें लैमिनेटेड टॉप था. ये 4 हज़ार का गिटार, 4-5 हज़ार का, इसमें तो ऑब्वियसली सॉलिड टॉप नहीं हो सकता. इट्स अ लैमिनेटेड टॉप. लेकिन इन्होंने सेविंग्स कहाँ पे करी है कि जो इसकी वुड है ये पूरा का पूरा लिंडन वुड से बना है. लिंडन वुड इज अ स्लाइटली चीपर बेस वुड. ठीक है, तो चीप होता है थोड़ा सा ये. एंड जनरली जो एशियन का जो जनरली जो चाइनीज कंपनीज जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, उनके गिटार जो होते हैं वो लिंडन के होते हैं. ठीक है, सो आई वोंट बी सरप्राइज इफ दिस गिटार इज मेड इन चाइना, बट इट कुड बी मेड इन इंडिया एज वेल. लेकिन जनरली चाइनीज जो गिटार्स होते हैं उसमें लिंडन वुड यूज होता है. तो इसका जो टॉप की प्लेट है वो लिंडन है, फिर नीचे सारा प्लाईवुड है. इसकी जो बॉटम की प्लेट और जो साइड्स हैं ये भी सारी लिंडन है, ऊपर प्लाईवुड है. आई थिंक इसका जो नेक है, इसका जो नेक है ये नेक भी लिंडन का ही है ना. तो ये पूरा गिटार जो है पूरा का पूरा लिंडन से कंस्ट्रक्टेड है. इसका जो फ्रेटबोर्ड है दैट इज रोजवुड. इसका ब्रिज इज ऑल्सो रोजवुड. वन थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट दिस गिटार, वन ऑफ द वेरी फ्यू थिंग्स एक्चुअली, लेकिन आई रियली लाइक द इसका जो फ्रेटबोर्ड है. ठीक है, तो देर आर लॉट ऑफ एंड इट्स अ नाइसर लुकिंग फ्रेटबोर्ड इज वेल. इसके साइड में जो ये बाइंडिंग सी हुई पड़ी है, बट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द लुक, बट आई थिंक कि इसका फ्रेटबोर्ड जो है वो मुझे मैंने बाकी अपना आई प्लेड द यामाहा F310. ऑनेस्टली मेरे को उसके फ्रेटबोर्ड से ये बेटर लगा. एंड आई डोंट जस्ट मीन द थिकनेस बट ऑल्सो द फील ऑफ दिस फ्रेटबोर्ड. ठीक है, तो अगर मेरा छोड़ो तो मैं फैंटेसाइज कर रहा हूँ कि इस गिटार में ये बने, बट जो भी फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई रियली लाइक द फ्रेटबोर्ड ऑफ दिस गिटार. आई थिंक इसका फ्रेटबोर्ड इज अ लॉट बेटर देन सम ऑफ द अदर गिटार्स दैट आई हैव प्लेड. ठीक है, बाकी इसमें इंटरेस्टिंगली इसमें दो ब्रिज स्ट्रैप पिन्स हैं. हमारे जो कॉट का AD810 था, फेन यामाहा का 310 था, उन सब में सिर्फ एक ब्रिज पिन था. सो यहाँ पे इधर भी एक ब्रिज पिन लगा हुआ है, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग, क्योंकि मेरे को जब मैं स्ट्रैप पिन लगा हुआ है, क्योंकि जब मेरे को स्ट्रैप लगाना होता है तो आई प्रेफर टू डाई इट हेयर एज कम्पेयर टू टाइंग इट हेयर, जो मैं यहाँ पे पसंद नहीं है. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग यहाँ पे लगा हुआ है. लेकिन इसकी पोजीशन थोड़ी अजीब सी है, यहाँ से ऐसे करके. ओके, बट एनीवेज द गुड थिंग इज कि दो स्ट्रैप पिन हैं यहाँ पे. एंड आपको बताया था मैंने इसमें कटवे तो है ही, प्लस व्हाट एल्स, बाकी 20 फ्रेट्स हैं, 21 ही हैं एक्चुअली, पर ठीक है 20-21 फ्रेट्स हैं. And it's a decent guitar. If I were to see, I'll tell you, इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें एक ट्रस्ट रॉड है. ठीक है, तो जनरली जो चीप गिटार्स होते हैं ना उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रस्ट रॉड नहीं होती. और अगर ट्रस्ट रॉड ना होए
तो उससे क्या होएगा कि थोड़े सालों के बाद या बिकॉज ऑफ वेदर, टेम्परेचर चेंजेस, ह्यूमिडिटी चेंजेस, आपकी जो नेक होती है वो बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ट्रस्ट रॉड से फ़ायदा क्या होता है कि आप उससे ट्रस्ट रॉड एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो यू कैन एक्चुअली मूव द नेक अराउंड अगर वो बेंड हो जाती है। सो इस गिटार में ट्रस्ट रॉड है, सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, इसमें ट्रस्ट रॉड है, सो यू कैन एक्चुअली कीप चेंजिंग, यू कैन गेट इट सेट अप लेटर ऑन एज वेल, ठीक है। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ डिसेंट लुकिंग गिटार, बट अगैन बिकॉज इट्स लिंडन वुड, तो आई एम नॉट रियली एक्सपेक्टिंग द साउंड क्वालिटी टू बी अमेजिंग, ठीक है। ऑब्वियसली मैं इतना कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट अगर आप मान लीजिए बिगिनर हैं एंड अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते 8-9 हज़ार तक का गिटार लेना, बिकॉज वो सीरीज होती है 8-9 हज़ार वाली जो रेंज है, उस रेंज में जो गिटार्स आते हैं कोट के या माह के, दोज आर गुड गिटार्स, दोज आर गुड बिगिनर गिटार्स, लेकिन मान लीजिए आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते एंड आपका बजट सिर्फ 4-5 हज़ार का है, देन आई वुड से कि इट्स नॉट अ बैड परचेज, ठीक है, इट डजंट सीम टू बी अ बैड परचेज। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड द बिल्ड। लेट्स जस्ट प्ले दिस गिटार, मैंने इसको सेटअप कर दिया है, एक्शन मैंने इसका एडजस्ट कर दिया है, एंड देन वील सी वेदर दिस गिटार इज रियली वर्थ परचेजिंग और नॉट। ओके,
से मैंने इस गिटार को काफी प्ले करा है. सो व्हाट्स माय रेटिंग? लेट्स वेट बिफोर वी गेट इनटू द रेटिंग. इट्स ऑब्वियसली अ मिड साइज गिटार, सो इट विल नॉट साउंड एज फुल एज द अदर ड्रेडनॉट गिटार्स. प्लस इसमें जो है कंस्ट्रक्शन आपको बताया था मैंने लिंडन का बना है. लिंडन इज नॉट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वुड, इतना ज़्यादा रेजोनेट नहीं करता. सो मैंने जब प्ले करा तो आई फेल्ट कि इट्स ऑब्वियसली नॉट अ वेरी फुल साउंड. ठीक है, सो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो ट्रेबल साउंड थी इट वॉज डिसेंट. द बेस वॉज नॉट दैट ग्रेट, द मिड्स ओके टाइप्स, बट ट्रेबल वॉज डेफिनेट. सो बेसिकली अगर आप सोलो प्ले करते हैं तो आई वुड से कि दिस इज अ गुड गिटार फॉर इफ यू आर प्लेइंग लीड्स एंड ऑल. इफ यू आर प्लेइंग अ लॉट ऑफ रिदम देन आई वोंट रियली से दिस इज द बेस्ट गिटार. इट्स नॉट अ बैड गिटार दो. ठीक है, वंस अगेन वी नीड टू रिमेंबर द फैक्ट कि ये 4,500 की रेंज में है. सो अगर तो मान लीजिए आप 8,000-9,000 तक का रेंज ले सकते हैं तो वाई नॉट गो फॉर दोज गिटार्स जो कॉट यामाहा के होते हैं. पर अगर आपकी रेंज 4,000-5,000 के बीच में देन इट्स अ डीसेंट गिटार. ठीक है, इट्स अ डीसेंट गिटार. इसमें ट्रस्ट रॉड भी है. सो इफ आई वर टू गिव इट अ रेटिंग आई विल गिव इट लाइक अ 6.5/10 विच इज कंसिडरिंग द फैक्ट कि साउंड कैसा है प्लस प्राइस इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है. ठीक है, थोड़ा सा मैंने मार्क्स इसलिए भी काटे हैं क्योंकि इसमें एक बहुत बज कर रहा था जो इनिशियली मेरे को लगा कि मे बी एक्शन की प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने सेटअप कर दिया था. लेकिन इसकी जो ब्रिज है ब्रिज से थोड़ा सा बज कर रहा है. एंड ये मेरे को इंसिडेंटली प्रद्युम्न ने भी बताया था, जो ओनर है उसने भी बताया था कि थोड़ा बज करता है. बट मेरे को लग रहा था मेरी एक्शन का पंगा होएगा, लेकिन एक्शन का क्लियरली पंगा नहीं था, ब्रिज से थोड़ा बज कर रहा है. मैं ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स निकाल नहीं सकता अभी तो मैं वो सब नहीं चेक कर सका, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बज कर रहा था. बट दैट कुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ द गिटार, इट कुड नॉट बी अ प्रॉब्लम विद ऑल द गिटार्स. ठीक है, वो सब हो सकता है इसी गिटार में हो इशू, बट दिस कैन बी करेक्टेड. बट एनी वेज अ रेटिंग ऑफ 6.5 फॉर दिस. एंड लाइक आई शेयर्ड, इफ यू कैन अफोर्ड टू ऐड अनदर 3,000-4,000 तब आप बाकी गिटार्स डेफिनेटली लीजिए. अगर आप नहीं कर सकते देन दिस इज डेफिनेटली अ वर्थ वाइल परचेज. इट्स नॉट अ बैड परचेज. ये गिटार भी काफ़ी देर आपका लास्ट करेगा एंड इट्स अ डिसेंट गिटार. बट लाइक आई शेयर विद यू, आई लव द फ्रेटबोर्ड. केरेंस हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब विद द फ्रेटबोर्ड यार, अमेजिंग. ओके, सो ये गिटार जो है इसका जो परचेज है आप ऑब्वियसली बजाओ से कर सकते हैं, अमेजोन से कर सकते हैं. बट आई प्रेफर अमेजोन क्योंकि दो रीजन्स. फर्स्ट, वहाँ पर रिटर्न पॉलिसी बहुत ही कन्वीनियंट होती है. एंड सेकेंडली उधर आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड्स में काफ़ी डिस्काउंट्स मिलते हैं. सो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर टू बाय इट ऑन अमेज़न, बट इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय द रिव्यू. अगर आपके पास भी यही गिटार है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको गिटार कैसा लगता है. ऑल्सो लेट मी नो आपको रिव्यू कैसा लगा. एंड आई विल बी सीइंग यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.